सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज लाखों लोग पता है क्यों पता है ठीक है क्योंकि लाखों लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर उसमें से रैंडमली जो हमारे कंप्यूटर जी हैं उन्होंने आप लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट करे हैं क्यों किए हैं वो पता नहीं बट कर दिए हैं और आप लोगों को कॉल चली गई है तो आई एम श्योर आप में से कोई भी यहाँ पे पैसे खिला के नहीं आया है तो खिलाएं तो मुझे बता देना आधे पैसे मैं लूंगा सर मेरी 3 साल की मेहनत वसूल होगी। I've been waiting for this day from the past 3 years. तो आपने आने के लिए मेहनत क्या करी है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं CSIR का प्रिपरेशन कर रही थी फॉर PhD और मेरा 3-4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी और आपका जब मैंने वो सेशन देखा कि जिंदगी का काम है अपॉर्चुनिटी फेंकते जाना ईच डे मैं उठती वो देखती एंड देन आई यूज्ड टू स्टार्ट सच बता रहे हो ना झूठ तो नहीं बोल रहे हां वैसे आंख में सच दिख रहा है मुझे सर वो ईच डे मैं उससे अपना डे स्टार्ट करती थी एंड एग्जाम का रिजल्ट आया एंड ऑल इंडिया मुझे रैंक 52 मिला एंड देन आई थॉट कि कभी मैं मिलूंगी तो मैं बताऊंगी कि रैंक 52 इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू नहीं नहीं नॉट बिकॉज ऑफ मी बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स बट आप ये कह सकते हो कि जो थॉट प्रोसेस है वो काम आई बहुत बढ़िया सर रॉबिन शर्मा भी एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड उसने बोला है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी आती है उसको आप हटा दो अपने माइंड से अगर एक भी आएगी इट विल डिस्ट्रॉय योर माइंड योर स्पिरिचुअलिटी बट उसको करना कोई आसान मतलब इट इज नॉट अ इजी बात या इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि आप कुछ भी सोचते हो आपके दिमाग में एग्जाम से कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा ही आएगा आपको किसी से जेलसी होगी मुझे बहुत ज्यादा जेलसी होती है As in sometimes we do some mistakes yes. which we later on think that was something I decided on. Something which you cannot think you can do and then you end up doing something like that and that is actually a mistake but you end up accepting it as a decision. But we are not able to carry that on because ultimately that was a mistake, right? So how to accept? Sometimes I'm not able to accept, you know, my own self. I tend to think people are right, yes. but I have less tendency to think I am right. जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो हमको ये नहीं पता है कि उससे बाहर कैसे आना है आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए दैट इज योर क्वेश्चन राइट कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आए ही ना तो जवाब है ऐसा कोई रास्ता नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन ये है कि मैं आंख खोलूं मुझे अच्छी चीजें तो दिखे बुरी चीजें ना दिखे पॉसिबल है आंख खुली तो जो भी कुछ होगा सामने वो दिख जाएगा बिकॉज आईज आर सुनो अब ध्यान से सुनो जैसे आंखें होती हैं उसके सामने जो भी कुछ होता है पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाता है लेकिन उससे आंखों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आंखों से आपने एक गंदी टॉयलेट को देखा तो क्या उसकी वजह से आपकी आंखें खराब हो जाती हैं नहीं अगर आपने किसी बहुत अच्छी जगह को देखा मान लो किसी मंदिर को देखा या किसी हिल स्टेशन में एक बहुत अच्छे व्यू को देखा तो क्या आपकी आंखें अच्छी हो जाती हैं क्या उसको देखती चश्मा उतर जाता है क्या गंदी टॉयलेट को देखते चश्मा चढ़ जाता है नंबर बढ़ जाता है ऐसा नहीं होता है इसका मतलब क्या है आप चाहे कुछ अच्छा देखो चाहे बुरा देखो उसका असर आंखों पर नहीं होता है बिल्कुल इसी तरह से आपकी जो ब्रेन है उसके अंदर किसी चीज से आपका कांटेक्ट हुआ उस कांटेक्ट होने की वजह से चाहे पॉजिटिव थॉट आया चाहे नेगेटिव थॉट आया चाहे पॉजिटिव फीलिंग हुई चाहे नेगेटिव फीलिंग हुई उसका आपकी ब्रेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रेन का काम है आपको सिर्फ उस सिग्नल को आप तक पहुंचाना मुझे कोई चोट लगती है तो मेरी ब्रेन नहीं खराब हो जाती है या मुझे कोई बहुत अच्छी फीलिंग होती है कोई सेंसेशन होती है किसी के प्यार में पागल थे उससे आपकी शादी हो गई उसके बाद में आप उसके साथ में हो तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है बड़ी अच्छी तो उससे आपकी ब्रेन अच्छी नहीं हो गई तो जब ये बात हमको समझ आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि अब चाहे नेगेटिव से नेगेटिव थॉट आए हमारी इस ब्रेन में चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव थॉट आए क्या फर्क पड़ता है आने दो ना जैसे ही आप अंदर से इस चीज को बोल देते हो एक है ऊपर से दिखाने के लिए बोल रहे हो अंदर से आप बोल देते हो
क्या फर्क पड़ता है? आने तो बुरे से बुरा थॉट, आने तो अच्छे से अच्छा थॉट, देखता हूं मेरा क्या उखाड़ता है। आने तो बुरी से बुरी फीलिंग, आने तो अच्छी से अच्छी फीलिंग, क्या फर्क पड़ता है? तो उसका फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उसको हम रिप्लेस भी तो कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि हम वॉशरूम में अगर ये अपने आप को धोखा देना है। क्यों रिप्लेस करना है? आप एक वॉशरूम में हो, वहां पर आप एक थॉट क्रिएट कर रहे हो, नहीं वॉशरूम बड़ा अच्छा है, यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये नहीं है मेरा। अगर हम ये देख रहे हैं कि बहुत गंदे टॉयलेट्स हैं, ये है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव दैट, हाउ टू चेंज इट। देखो अब दो चीजें हैं, एक जिसको आप चेंज कर सकते हो। अब हम एक अलग डायमेंशन में एंटर कर रहे हैं आपके इस क्वेश्चन की वजह से। अभी जहां पर मैं हूं वहीं पर स्टिक रहो, बट इसको भी मैं फटाफट से टच करके वहां पर आता हूं। आप क्या कह रहे हो कि हम चेंज कर सकते हैं? आप चेंज नहीं कर रहे हो, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जिनके सोल्यूशन निकल सकते हैं, यानी कि टॉयलेट गंदी है उसको आप साफ कर सकते हो अगर आप साफ करना चाहो तो, या फिर आप बाहर जा सकते हो, या फिर आप कहीं और जा सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ चॉइसेस एज फार एज चेंजिंग दैट सिचुएशन इज कंसर्न, बट देर आर थिंग्स इन लाइफ विच यू कैनॉट चेंज, लाइक योर पास्ट। यू कैनॉट चेंज योर पास्ट, उसको कैसे बदलोगे? वहां क्या करोगे? हाउ विल यू फॉरगेट इट? इट इज सो सो चाइल्डिश, समझो यही लोगों की प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट फॉरगेट इट। इट इज एज गुड एज सेइंग कि भाई हमारे अंदर कुछ पड़ा हुआ है, फॉरगेट अबाउट इट। मेरी आंखें खुली हुई हैं, मुझे कुछ दिख रहा है, फॉरगेट अबाउट इट। मुझे ये आदमी दिख रहा है जो मुझे पसंद नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। इट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? तो अब आप बैठ जाओ, अब मैं आपसे बात करता हूं। आपको क्लियर हो गया यहां तक? हाँ। अब आपके पॉइंट पे आता हूं। नेगेटिव थॉट आ गया, अंदर चल रहा है, वो नेगेटिव थॉट कुछ भी हो सकता है। दो तरह के होते हैं, एक है कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन से रिलेटेड जिसको हम बदल सकते हैं, तो वहां पर तो बदल देना चाहिए, वहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है जिसका आप ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो निकाल दो। मान लो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो अननेसेसरी आपका टॉर्चर करता रहता है, आप मैरिड हो, आपका जो हस्बैंड है वो रोज पी करके आपको मारता है, तो वहां से ध्यान नहीं हटाना है, उसको सॉल्यूशन निकालना है। या तो छोड़ो उसको, डिवोर्स दो, या फिर पलट करके उसको मारो, या फिर पुलिस को फोन करो, यानी कि एक्ट करो। समझ गए ना? तो यहां पर एक्शन काम आएगा। लेकिन कोई है, मान लो एक दूसरी सिचुएशन, आपका हस्बैंड जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार था, अब उसकी डेथ हो गई, सडन डेथ, अब क्या करोगे? अब तो सिर्फ उसकी मेमोरी रह गई है, बाहर तो कहीं कोई है ही नहीं जिससे आप पीछा छुड़ा सको। आप चाहे उस जगह पर रहो, चाहे कहीं दूर चले जाओ, आप इंडिया में रहो, यूएस में रहो, उस याद को कैसे छोड़ोगे, उस मेमोरी को कैसे छोड़ोगे? यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट मेमोरी। यू कैन रन अवे फ्रॉम अ पर्सन, यू कैन एक्ट अपॉन अ पर्सन, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम अ मेमोरी, यू कैन नॉट एक्ट अपॉन मेमोरी। देयर इज नो वे टू एक्ट अपॉन मेमोरी। हाउ विल यू एक्ट अपॉन इट? समझ रहे हो? एक तो ऑप्शन ये है, नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे भूल जाना है, मुझे उसे भूल जाना है। जितना आप अंदर ही अंदर बोलोगे मुझे उसे याद नहीं करना है, वो उतना ही ज्यादा याद आएगा। मुझे अपना ये जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मैंने गलती करी, मुझे उसे याद नहीं करना है, जितना आप ये बोलोगे उतना ही याद आएगी। तो यहां पर क्या काम आता है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जिसने कभी कोई गलती नहीं करी है? समझ गए? मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या एग्जांपल दिया था, आंखों का। आंखें जो बिल्कुल एक मिरर के जैसी है, ब्रेन जो बिल्कुल एक मिरर के जैसी है, जिसके सामने जो आता है वो दिख जाता है। तो क्या दुनिया का कोई ऐसा मिरर है जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखा हो? क्या कोई ऐसा मिरर बना है आज तक कि उसको कहीं गंदी जगह पर आप ले जाओ लेकिन उसके सामने वो गंदगी ना दिखे, सिर्फ अच्छा दिखे? जो मिरर घूमता रहेगा पूरी दुनिया में, अगर हमारी बॉडीज एक मिरर के जैसी है जो घूमता रहेगा, उसमें सब कुछ दिखता होगा और रिकॉर्ड भी हो रहा है। दिस इज नॉट जस्ट अ मिरर जहां पर कि सिर्फ दिख रहा है, जैसे कि पेड़ पौधे, हमारी बॉडीज ऐसी है उसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग भी बार बार उस मिरर पर दिख रही है। ज्यादा डीप तो नहीं हो गया? आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? मैं कोशिश कर रहा हूं इसको सिंपल रखने की। क्या कोई दुनिया का ऐसा इंसान है जिसने लाइफ में कभी कोई गलती ना करी हो? नहीं है। तो इस सच को हम देखते क्यों नहीं है? क्यों हम इस इल्यूजन में जीते हैं कि मैं परफेक्ट हूं? इज देयर एनीबॉडी ऑन दिस प्लैनेट जो परफेक्ट हो? जब कोई नहीं है तो मैं कैसे हो सकता हूं, मैं कैसे हो सकती हूं? तो मैं परफेक्ट नहीं हूं, आई एम ओके विद इट। कोई परफेक्ट नहीं है, आई एम ओके विद इट। दिस वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, आई एम ओके विद इट। दिस वर्ल्ड कैन नेवर बी परफेक्ट, आई एम ओके विद इट। द मोमेंट यू आर ओके विद इट, द इंटरनल वर्ल्ड इज परफेक्ट।
बाहर की दुनिया परफेक्ट नहीं हुई है, अंदर की दुनिया परफेक्ट हो गई, इसी को परफेक्शन बोलते हैं। अब आप गहराई से चीजों को समझ गए हो। द मोमेंट यू से मेरे अंदर कमियां थी, है और रहेंगी, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने गलतियां करी थी, कर रही हूं, करती रहूंगी उसकी वजह से रायता फैलता रहेगा, गड़बड़ होती रहेगी, बट मैं अकेली नहीं हूं, पूरी दुनिया ऐसी ही है, तो क्या फर्क पड़ता है। हां, अगर मैं उस गलती से सीख रही हूं तो वो मेरे लिए अच्छा है, तो चलो एक काम करते हैं, सीख ही लेते हैं। नहीं सीख रही हूं, बार बार उसको याद कर रही हूं, चाहे याद करके ये सोच रही हूं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, चाहे मैं बोल रही हूं नहीं मुझे इसको याद ही नहीं करना है, दोनों तरफ से आप उसको याद कर रहे हो। मोमेंट यू से नहीं मुझे उसके बारे में याद नहीं करना है, वो बंदा जिससे मेरे को नफरत है, मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना, उसी के बारे में तो आप सोच रहे हो। मिरर पे वही दिख रहा है जिसको आप नहीं देखना चाहते हो। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप उसको नहीं देखना चाहते हो। इफ यू से इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्या हो गया जी, ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो भी आपकी गलती है, मुझे नहीं पता आपने क्या गलती करी है, कितने बड़े लेवल की करी है। एक बात मैं यहां पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, उसको मल्टीप्लाइड बाय आप 1000 कर दो, उससे बड़ी गलतियां मैं कर चुका हूं अपनी लाइफ में, फिर भी आपके सामने यहां पर बैठा हुआ। आप बताओ, और खुश हूं? दुखी तो नहीं लग रहा? उस टाइम पे बुरा लगेगा? लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगेगा, लगना भी चाहिए, इट इज पार्ट ऑफ दैट। मतलब कि अगर आप आग के पास में जा रहे हो, जल रहे हो, बॉडी जल रही है, वहां पर निशान पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, होना भी चाहिए। नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा मैंने गलती करी है? नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे उस गलती से, ग्रो कैसे करेंगे? बट जो नेगेटिव थॉट आता है तो वो हेल्थ पे अफेक्ट करता है, जैसे कभी हम स्ट्रेस में लेने लगते हैं जो पास की बात। हाँ, अब ये स्ट्रेस क्या है? नेगेटिव थॉट का आना स्ट्रेस नहीं है, इट विल गेट वेरी डीप अगर मैं यहाँ पे चला गया तो। देखो, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग। पकड़ पाओगे या नींद आ रही है? कोशिश करोगे पकड़ने की? थॉट क्या होता है? आपकी ब्रेन में जो भी कुछ आपको लगता है ना कि हम देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं इस दुनिया को, आप देखते अल्टीमेटली ब्रेन में ही हो। अगर आपकी ब्रेन एक मिरर के जैसी है तो उस पर कुछ दिखता है, पापा, तो एक पापा का थॉट आया, पापा से रिलेटेड कुछ आया, उसको थॉट बोलते हैं। बट उसके बाद में क्या होता है, एक चेन बन जाती है। एक थॉट आया, फिर उसके साथ में एक और थॉट आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, इसको थिंकिंग बोलते हैं। समझ पा रहे हो? हाँ, एक है वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, उसको आप वॉकिंग नहीं बोल सकते कि अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, यहां से मैंने यहां गया, तो आई कांट से दैट आई एम वॉकिंग, आई हैव टेकन जस्ट वन स्टेप। तो दिस वन स्टेप इज थॉट, बट इफ आई स्टार्ट टेकिंग मोर एंड मोर ऑफ स्टेप्स, दूसरा लिया, तीसरा लिया, देन आई एम वॉकिंग। देर इज अ थॉट एंड देर इज थिंकिंग, इन दोनों में फर्क समझ लो। थॉट से पीछे नहीं छुड़ाना है, थॉट आएगा और आना भी चाहिए, इसका मतलब आपकी ब्रेन ठीक काम कर रही है, आपकी बॉडी ठीक काम कर रही है। पास में कोई गड़बड़ हुई, उसका थॉट आ रहा है, उसमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है, उसके बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है ना। तो थिंकिंग दो तरीके की होती है, एक होती है जो उस थॉट को मार देती है, एक होती है जो उस थॉट को जिंदा रखती है। पकड़ पा रहे हो? तो एक थॉट आया कि मैंने पास में गलती करी, अब यहां पर अभी थॉट आया और चला गया, इसमें क्या दिक्कत है? मैं बैठ करके सोचता हूं मैंने पास में क्या गलतियां करी, बहुत बढ़िया है, लेकिन फर्क क्या होगा आप में और मेरे में? मैं बैठ करके सोच करके उसको हंस रहा हूँ, ठीक है क्या कैरेक्टर है ये बंदा यार, ऐसे समझ गए कि कितना बेवकूफ है। मतलब थॉट आया, मैंने अपने आप को बेवकूफ बोला, इससे क्या हुआ? वो थॉट खत्म, दी एंड। अब एक थॉट आया और मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। अभी क्या करेगा? इस थॉट को जिंदा रखेगा, कब तक के लिए? हमेशा के लिए। इसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। पकड़ में आ गया? Yes, तो पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। आप किसी बंदे को देख रहे हो गन लेकर के आ रहा है, मान लो टेररिस्ट है, कहीं पर आपको नजर पड़ी कहीं मार्केट के अंदर, तो वहां पर ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं उसको देखूं लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा फील होना चाहिए, ना जी, आपको इमीजिएटली एक्ट करना है। आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया, हो सकता है टेररिस्ट हो, या कहीं पर कुछ पड़ा हुआ आपको दिखा, हो सकता है इसमें बम हो, ये क्या है? नेगेटिव थॉट है ना। नेगेटिव थॉट में क्या दिक्कत है? अब उस बम से आप डर रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो लेकिन बस डर रहे, उसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। अगर बम फट गया तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये क्या होगा, समझ जाओ। तो अब आपने क्या किया? इमीडिएटली एक्ट किया, पुलिस को फोन किया, ये करते ही क्या हुआ, एक्शन लेते ही क्या हुआ, वो थॉट खत्म,
अब या तो वहां बम होगा या नहीं होगा, अब वो पुलिस की टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है, समझ गए ना। तो थॉट आने में कोई दिक्कत नहीं है, एक पुराना थॉट आया, अब वहां पर उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है ये आपकी सोच है। यही मेरे सेशंस का एसेंस है। आपको मेरे सेशंस को देख करके, दो तरह के लोग हैं जो देखते हैं मेरे सेशंस, 90% लोग कैसे देखते हैं, इमीडिएटली चार्ज अप होने के लिए, मजे के लिए, अच्छी फीलिंग होती है, गूज बम्स आते हैं, अबे क्या करोगे गूज बम्स का, समझे, एक राइड में जाकर के बैठ जाओ, किसी एडवेंचर पार्क में चले जाओ, वहां जाकर के जूम 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 बड़े गूज बम्स आएंगे, बड़ा मजा आ रहा है, ये बंदा कहीं से भी कुछ भी निकाल करके कुछ भी बोल देता है, तो बड़ा मजा आता है, थ्रिल है, मजा है, मस्ती है, कॉमेडी है, ये है वो है। तो कुछ लोग हैं 90% है वो उसके लिए देख रहे हैं, 10% लोग हैं जो मेरी सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो मेरी थिंकिंग है वो आपकी थिंकिंग से अलाइन हो गई, तो अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी, प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती, दुख हो ही नहीं सकता, दुख की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, बट कैसे सोचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक है थियोरेटिकली ये बातें हमको सबको पता होती हैं, बट वी नेवर गो इन टू द डेप्थ ऑफ थॉट, व्हाट इज थॉट। अब मैं इसकी और डीप में जा सकता हूं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि थॉट कैसे पैदा होता है, कैसे हम थॉटलेस स्टेट में जा सकते हैं, कैसे हमारे हाथ में कंट्रोल आ सकता है अपने माइंड का, एक स्विच आ सकता है, ऐसे किया थॉट गायब, ऐसे किया थॉट आ गया, अब उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है, तो देन यू विल हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर योर माइंड। कभी माइंड, सब कुछ पॉसिबल है, अगर मेरे सेशंस को देखा है तो मैं क्या कहता हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल है, और पॉसिबल करके फिर आपसे मैं बात कर रहा हूं। या कभी माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो भी गया, तब भी मैं उसको जान रहा हूं कि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब मैं कंट्रोल में हूं, इसका मतलब माइंड कंट्रोल में है। क्या समझे या नहीं समझे, समझो मैं क्या कह रहा हूं, माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, यह नहीं कि माइंड को डांट करके बिठा दिया, जैसे आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चा क्या है, एक माइंड के जैसा है, तो उसको कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि वो बच्चा शैतानी कर रहा है, पार्क में गए उसको छोड़ दिया, लेकिन आपकी नजर उस बच्चे पर है, कर रहा है शैतानी करने दो, गिर रहा है गिरने दो, उठ रहा है उठ रहे दो, जहां लगा आपको ज्यादा खतरा है आपने बीच में इंटरवीन किया, मतलब वो बच्चे ने हुड़दंग मचाया हुआ है, मतलब माइंड ने हुड़दंग मचाया हुआ है, बट यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट माइंड, यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट चाइल्ड, बट आपको पता ही नहीं हो बच्चा क्या कर रहा है, आप उस बच्चे को देख ही नहीं रहे हो, समझ गए, नाउ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड, आपको पता ही नहीं है अंदर क्या हो रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, कहां जा रही है, कुछ नहीं। आपकी जो नजर है या तो उस थॉट को जिंदा रखती है, या आपकी जो नजर है उस थॉट को मार देती है। थॉट कैसे मरता है इसको समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। थॉट कैसे मरता है, आपके अंदर एक थॉट था पिछले कई दिनों से, जब से आपके पास में कॉल आई थी यहां पर आने के लिए, ये क्या है, एक थॉट शुरू हो गया था, वो थॉट कब शुरू हुआ था, जब आपके पास कॉल आई थी, आपके पास में एंट्री पास आया था, उससे पहले क्या थॉट था, मुझे जाना है, वो एक अलग थॉट है, उसकी बात नहीं कर रहा, एक नया थॉट पैदा हुआ कॉल आते ही कि अब मुझे इस दिन इतने बजे वहां पर पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, क्या पहुंचूंगा, ये सब क्या है, इट इज ऑल थॉट, और बिकॉज दिस थॉट इज लीडिंग टू मोर एंड मोर ऑफ थॉट्स, कैसे जाऊंगा, कितने बजे सुबह उठना है, मेट्रो लेनी है या टैक्सी करूंगा, या वहां से कैसे टाइम पे पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ये सब क्या है, थिंकिंग। इस थिंकिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है, थॉट में कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब थॉट कैसे मरता है, आप यहां पर आ गए, अब क्या आपको इस थॉट की जरूरत है, इस थिंकिंग की जरूरत है कि मुझे यहां कैसे पहुंचना है, तो थॉट मर नहीं गया। दिस इज द एंड ऑफ थॉट, दिस इज द एंड ऑफ थिंकिंग। थॉट शुरू हुआ, थिंकिंग हुई, और जैसे ही वो काम हो गया, when the action is complete, thought comes to an end. Similarly, आपके माइंड में एक thought आया, जब तक उसको आपने face नहीं किया पूरी तरह से, unless and until it is complete, वो जिंदा रहेगा। मैंने कोई गलती करी past में, जब तक उसको आपने बारीकी से ये नहीं समझ लिया जो बात मैंने आपको कही कि दुनिया में सब गलतियां करते हैं, मैंने भी करी तो क्या हो गया, और प्लस मैंने सिर्फ गलती ही नहीं करी, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मैंने उस गलती को करके कुछ सीखा है, मतलब कि मैं पहले से बेटर हो गई हूं वो गलती करके। अगर मैं वो गलती नहीं करती तो मैं इतनी समझदार नहीं होती जितनी आज हूं, पहले मैं कितनी बेवकूफ थी, अब मैं और समझदार हो गई, दैट मींस मेरी जो विजडम है वो बढ़ गई है, नाउ आई एम मोर मैच्योर, अब मैं इस दुनिया में ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल कर सकती हूं, लोगों की मेरे को पहचान हो गई है, और हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है जिसको मैं इतना बड़ा समझ रही हूं अपने माइंड में कि ये इतनी बड़ी चीज है, हो सकता है अगर ये ना होती तो फ्यूचर में इससे लाख गुना बड़ी कोई और गड़बड़ हो जाती, लेकिन अब वो नहीं हो सकती क्योंकि ये गड़बड़ हुई।
समझ गए, मिल गया आपको जवाब। Wish you all the very best. मैंने चूहे के ऊपर अटैक किया लेकिन चूहा बच करके निकल गया, मैं फेल हो गई। ये बिल्ली आप हो?